मंत्री और राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा है कि राज्य में बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण से पारंपरिक बिजली की मांग में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। बिजली निर्माण से हवा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और वैश्विक तापमान भी बढ़ रहा है। अब समय अपारंपरिक स्रोतों से बिजली निर्माण का है, जिससे पर्यावरण की रक्षा भी होगी। उनके हाथों उत्तर नागपुर में सोलर ऊर्जा प्रकल्प का लोकार्पण हुआ, वे इस अवसर पर बोल रहे थे। सुगत नगर धम्म सुगती विपसना केंद्र नारी रोड में समयक बुद्ध विहार, सुजाता बुद्ध विहार और वैशाली नगर के तथागत बुद्ध विहार में सौर ऊर्जा प्रकल्प का लोकार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अखंडित बिजली मिले, इसके लिए सोलर प्रकल्प निर्माण का कार्य सरकार ने हाथ में लिया है। इस दौरान सेवा दल के राष्ट्रीय समन्वयक कृष्ण कुमार पांडे, सुरेश पाटिल, दीपक खोबरागड़े, नगर सेवक दिनेश यादव, इंद्रपाल वाघमारे, महाऊर्जा के प्रादेशिक संचालक वैभव पाचोड़े सहित संख्या में नागरिक उपस्थित थे। पालक मंत्री के हाथों बेजनबाग गार्डन लेआउट के सौंदर्यकरण का भूमि पूजन भी किया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।